Again, we will discuss some questions from miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise 1 is, first question is, f such that r tends to r be defined as fx is equal to 10x plus 7. Find the function g such that r tends to r such that gof is equal to fog is equal to ir. अब इसका सलूशन है. फंक्शन गिवन है एफ सच दैट आर टेंस टू आर और एफ एक्स इक्वल टू है 10x प्लस 7. तो हमको जी एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी. तो जी सच दैट आर टेंस टू आर है ये फाइंड करना है, यानी जी एक्स फाइंड करना है. इसमें दिया है कि जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू आई आर. तो जी ओ एफ में हम डोमेन लगा देंगे जी ओ एफ इन टू एक्स, तो क्या हो जाएगा. फिर एक्स में भी डोमेन लगा देंगे तो हो जाएगा जी ओ एफ इन टू एक्स इजक्ल टू एफ ओ जी इन टू एक्स इजक्ल टू आई आर फॉर आल एक्स बिलोंग्स टू आर. अब इसका फार्मूला है जी ओ एफ का, तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स. एफ ओ जी का फार्मूला है, ये हो जाएगा एफ जी एक्स इज इक्वल टू आई आर की. अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा जी 10x प्लस 7 और फिर यहाँ पर ये एफ जी एक्स है. तो जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, जब एक्स की जगह पे जी एक्स हो जाएगा तो ये जी एक्स एक्स रिप्लेस हो जाएगा जी एक्स से. तो यहाँ एक्स को जी एक्स पुट कर देंगे तो हो जाएगा 10 जी एक्स प्लस 7. और आई आर क्या है, इस आर का आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स होगा. आई आर की वैल्यू डोमेन के लिए एक्स होगी. तो ये हो गया आपका. अब देखिए, अब सेकेंड लाइन है इसकी, ये सेकेंड 10 जी एक्स प्लस 7 इक्वल टू एक्स के होगा. फर्स्ट पार्ट भी थर्ड पार्ट के इक्वल है, सेकेंड पार्ट भी थर्ड पार्ट के इक्वल है. तो हम सेकेंड पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 10 जी एक्स प्लस 7 इक्वल टू एक्स. तो 10 जी एक्स हो जाएगा एक्स माइनस 7, तो जी एक्स हो जाएगा एक्स माइनस 7 अपॉन 10. यही जी एक्स की वैल्यू है. अब जी 10x प्लस 7 का मतलब क्या है, x को वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे. x को वैल्यू आप दे दीजिए x माइनस 7 अपॉन 10. जी एक्स की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 x माइनस 7 अपॉन 10. 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 7 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x के हो जाएगा. तो इस तरह से हमने जी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पे. और मिसलेनियस का सेकेंड क्वेश्चन है कि लेट f such that w tends to w be defined as fn is equal to n minus 1 if n is odd and fn is equal to n plus 1 if n is even, so that f is inversible. Find the inverse of f. Here w is set of all whole numbers. W is the set of all whole numbers. Inversible proof करना है, यानी हमको इस function को 1 1 and 2 proof करना है. अब इसका solution देखिए, इसका सलूशन है, फंक्शन दिया है एफ सच दैट डब्ल्यू टेंस टू डब्ल्यू एंड एफ एक्स इक्वल टू एन माइनस वन इफ एन इज ऑड एंड एन प्लस वन इफ एन इज इवन. एफ एन की वैल्यू ये भी है, ये भी है. तो हमको शो करना है कि एफ इज इनवर्सिबल. तो हम सबसे पहले एफ को 1 1 प्रूफ करेंगे. तो अब इसके डोमेन में से 2 एलिमेंट ले लेंगे. लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डोमेन में से. अब इसमें 3 केस बनेगा. फर्स्ट केस होगा व्हेन एक्स वन एंड एक्स टू आर इवन, दोनों इवन है. तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इवन वाले में जाएगा एन प्लस वन में, तो हो जाएगा एक्स वन प्लस वन. एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, फिर यही इवन वाले में जाएगा तो हो जाएगा एक्स टू प्लस वन. तो यहाँ क्या है कि एक्स वन एक्स टू टू डिफरेंट इवन नंबर हैं, देन एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू. अब दोनों साइड में प्लस वन ऐड कर दो तो एक्स वन प्लस वन नॉट इक्वल टू एक्स टू प्लस वन. तो एक्स वन प्लस वन क्या है, ये तो एफ एक्स वन है, और एक्स टू प्लस वन क्या है, एफ एक्स टू है. तो एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू इज इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू. तो ये तो 1 1 फंक्शन है, इसका मतलब है देन एफ इज 1 1 फंक्शन. केस सेकेंड होगा एक्स वन एंड एक्स टू आर ऑड नंबर, टू डिफरेंट ऑड नंबर. तो अब एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, ऑड के लिए देखो एफ एक्स यहाँ से लेते हैं एन माइनस वन में पुट करेंगे, ये एन है तो यहाँ एन है. तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस वन. एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस वन. ये टू डिफरेंट ऑड नंबर हैं, देन एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू. अब दोनों साइड में माइनस वन कर दीजिए तो एक्स एक्स वन माइनस वन नॉट इक्वल टू एक्स टू माइनस वन. ये एक्स वन माइनस वन क्या है, ये एफ एक्स वन है.
और x2 माइनस वन क्या है, ये fx2 है। x1 नॉट इक्वल टू x2 इज इम्प्लाइज दैट fx1 नॉट इक्वल टू fx2, देन f इज 1-1 फंक्शन। और केस थर्ड है व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। तो x1 इवन है तो fx1 हो जाएगा x1 प्लस वन, x2 ऑड है तो ये हो जाएगा x2 माइनस वन। ये फंक्शन में पुट करेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पहले पुट करते थे इवन ऑड के लिए। तो अब यहाँ देखिए हो जाएगा x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि x1 इवन नंबर है, x2 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे x1 नॉट इक्वल टू x2 के। अब जब ये इक्वल नहीं होंगे तो x1 इवन है तो प्लस वन करेंगे तो ऑड हो जाएगा, x2 ऑड है माइनस वन करेंगे तो इवन हो जाएगा, देन x1 प्लस वन नॉट इक्वल टू x2 माइनस वन, ये इवन हो जाएगा ये ऑड हो जाएगा तो इक्वल नहीं होंगे, देन एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, इसलिए एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू के इक्वल नहीं है। एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं है तो एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू के इक्वल नहीं है, देन एफ इज 1-1 फंक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, लेट वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू कोडोमेन, कोडोमेन का एलिमेंट ले लेते हैं, देन एफ वाई माइनस वन, वाई माइनस वन क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो वाई हो जाएगा, देन वाई इज ऑड। वाई अगर ऑड है तो वाई माइनस वन क्या होगा, इवन होगा, तो इवन वाले में पुट करेंगे हम एन, एन की वैल्यू वाई माइनस वन इवन वाले फंक्शन में पुट करेंगे, तो वाई माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू वाई, वाई क्या है ऑड होगा, तब के लिए ये है। एफ वाई प्लस वन ये हो जाएगा वाई प्लस वन माइनस वन, यहाँ वाई क्या होगा, वाई इवन होगा, तो y प्लस वन क्या होगा ऑड होगा, तो ये ऑड वाले में पुट करेंगे तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो y हो जाएगा। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू w कोडोमेन देयर एग्जिस्ट y माइनस वन आर y प्लस वन बिलोंग्स टू w कोडोमेन, देन y इज ऑनटू फंक्शन, y ऑनटू फंक्शन है, देन y इज इन्वर्सबल। अब f n माइनस वन क्या होगा, n माइनस वन प्लस वन, तो ये n हो जाएगा, n इज ऑड। एफ एन प्लस वन क्या होगा, एन प्लस वन माइनस वन, देन एन इज इवन। जब एन ऑड लेंगे तो ये हम एन माइनस वन इवन होगा तो इसको इवन वाले में पुट करेंगे, और जब एन को इवन लेंगे तो ये एन प्लस वन ऑड होगा तो ये ऑड वाले में पुट करेंगे तो ये वैल्यू जाएंगी। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ एन माइनस वन भी एन है, एफ एन प्लस वन भी एन है, इसका मतलब है कि एफ इनवर्स एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन, और f इनवर्स n इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस वन, दोनों की वैल्यू वही है। देन f इनवर्स n इज इक्वल टू n माइनस वन इफ n इज ऑड एंड n प्लस वन इफ n इज इवन। तो ये तो यही फंक्शन एफ एन था ना, जब n ऑड था तो क्या था, n माइनस वन एफ एन की वैल्यू, और जब n इवन था तो एफ एन की वैल्यू क्या था, क्वेश्चन में n प्लस वन था। देन f इनवर्स n इज इक्वल टू एफ एन के, देन f इनवर्स n इज इक्वल टू एफ एन इज इम्प्लाइज दैट f इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ओके।